एड्स के बारे में जानकारी आज देते हैं वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एड्स जो है बीमारी, वो बहुत बड़ी तादाद में, बड़े परसेंटेज में फैल रही है। एड्स का लॉन्ग फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है, प्रतिकार करने की शक्ति जो है अपने बॉडी की, तो वो शक्ति कम हो जाती है। तो फिर जब अपनी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई, प्रतिकार करने की शक्ति कम हो गई, तो फिर कोई भी बीमारी जल्दी आ जाती है। जैसे सादा कफ भी हो गया, खांसी भी सादी आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर सकती है। या कुछ समझो लेटरिन को ज़्यादा लग गई कोई कारण से, तो उसमें फिर वो बहुत बड़ी मतलब मात्रा में आदमी सीरियस हो सकता है। ऐसे कुछ भी बुखार भी आ गया तो भी उसका प्रतिकार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे इसमें ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, तो ये एड्स का प्रॉब्लम है। और अपनी देश की संख्या जो तादाद में बढ़ रही है, जो स्पीड से बढ़ रही है, उसमें एड्स यदि लोगों को हो जाता है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जब ये इतने बड़े मात्रा में दिखाई देती है तो भी इसका प्रतिकार कैसे करना ये बीमारी का? तो ये बीमारी ज़्यादा वो लोगों में दिखती है जो लोग अपने सेक्सुअल पार्टनर्स बदलते रहते हैं और या अननोन पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं, या फिर डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स जो है सुई इंजेक्शन देने की, वो यदि शेयर की जाती है तो वो ब्लड में से वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये दो बड़े कारण इसमें होते हैं कि जिसमें एड्स का फैलाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बहुत है एड्स का। तो दो है, एक सेक्सुअल पार्टनर्स, डिफरेंट पार्टनर्स, और शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस। अभी इसका प्रतिकार कैसे करना है उसके बारे में प्रिकॉशन क्या करना है। एक तो है कि शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस जो है, सुई जो है इंजेक्शन देने की, वो शेयर करना, मतलब एक सिरिंज नीडल दूसरे को वापरना ये टालना चाहिए। एब्सोल्युटली हर एक के लिए अलग अलग सुई होना चाहिए या नीडल होना चाहिए। नंबर दो, प्रेगनेंसी में एड्स जिसको है उस लेडी को प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। और नंबर तीन, सेक्स करने के समय कंडोम का वापर करना चाहिए, या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं वो लेना चाहिए। ब्लड देना है या ब्लड लेना है उस समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, स्टराइल सिरिंजेस उसका वापर करना, वो जो ब्लड की बैग रहती है वो बराबर ठीक तरह से उसका मतलब स्टराइल है कि नहीं वो देखना वो जरूरी है। सेक्सुअल कांटेक्ट में सबसे पहले या बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन कौन सी लेनी चाहिए? नंबर एक कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स अवॉइड करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एनल सेक्स या ओरल सेक्स ये अवॉइड करना चाहिए जब अननोन पार्टनर है तो। नंबर तीन, कंडोम का वापर करना चाहिए, एक या दो कंडोम भी वापर सकते हैं। नंबर चार, सेक्स करने के समय बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं होगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये करते हैं तो काफ़ी सारा प्रिकॉशन इसमें हो सकता है। अब इसके लिए इलाज क्या है? इलाज है कि अभी एड्स के लिए दवाई मिलती है, जो दवाई लोग मतलब सालों साल खाते हैं और अपना खुद का प्रोटेक्शन कर लेते हैं कोई बीमारी से, तो अपनी जो एंटीबॉडीज़ हैं, अपने शरीर में जो एंटीबॉडीज़ कम हो जाती है, तो वो दवाई रोज़ एक या दो गोलियाँ खा सकते हैं। अलग 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 कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ उपलब्ध है, वो दवाई यदि लेते हैं तो काफ़ी साल तक लोग जी सकते हैं। इतना ही है कि शादी के पहले यदि सेक्स हो तो अपने पार्टनर्स को या सामने वाले को मालूम करना चाहिए, और ऐसा मालूम किया तो कोई करेगा नहीं, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर जो भी ले सकते हो वो ले लो। मगर किसको फंसा के सेक्स करते हैं तो वो मैरिज टूट जाती है बाद में। हमारे पास में काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको मानसिक बीमारी होती है एड्स की वजह से, मतलब थोड़ा भी टेंशन वगैरह स्ट्रेस आ गया, जैसे मैंने बताया कि इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो फिर होता क्या है कि प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, थोड़ा भी टेंशन स्ट्रेस आ गया कि उनको मानसिक बीमारी हो जाती है। उनको हमारे पास में जब लाते हैं तो रिलेटिव ज़्यादातर बताते नहीं कि इनको एड्स है करके। हम देखते हैं, तपासते हैं, मगर समझ में नहीं आता। हम टेस्ट करते ब्लड का तो उसमें एड्स निकलता है, तो HIV पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए डॉक्टर को बोलना जरूरी है। आप कहीं डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कि इनको एड्स है या इनका HIV पॉजिटिव है,
ताकि डॉक्टर उनका इलाज ठीक तरह से कर सकेंगे जो बीमारी के लिए आप गए हैं उसका। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।